This is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now practice set part second, gene expression and regulation. Which of the following is the protein coding gene found in the bithorax complex of Drosophila? All of these. Which of the following class of gene undergoes the mutation frequency in cancer? ट्यूमर भी होगा, म्यूटेटर जीन भी होगा और अकोजेंस सारे होंगे. तो ऑल ऑफ दीज. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंटेशन डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन बाई व्यासी का आंसर सी होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. मोलिकुलर बेसर ऑर्गन डिफरेंटेशन डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलेशन ट्रांसफर बाय ट्रांसक्रिप्शन बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड स्प्लिसिंग. लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री रेगुलेटर एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एक से चार तक आउट ऑफ फोर. बच्चा सी का आंसर सी होगा यहाँ पर, दो सही होगा और चार. इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन. और चौथा है दिस वाज इंड्यूसेड फ्रांकिस. दिस वाज इंड्यूसेड फ्रांकिस जेकॉब एंड माइकल मोनड. दोनों सही होंगे यहाँ पर. दूसरा भी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर जीन. और चौथा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा. वहाँ पर मैच करना, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन. ओ उनके हिसाब से यहाँ पर ये एंजाइम दिए गए हैं ये, और इधर उनका कार्ड दिया गया है. पहले का तीसरा होगा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा. बीटा गैलेक्टोसिडेज हाइड्रोलेजी था ब्लैक्टोज परमिएज परमिएज बीटा गैलेक्सीडेज. और लाइगेज जो है जॉइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट राइबोजाइम पेप्टिड बॉन्ड फॉर्मेशन. आंसर सी सही होगा, आंसर बी 86 का. इंड्यूसर फॉर द स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन इन बैक्टीरिया इज. तो इंड्यूसर ऑफ स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन बैक्टीरिया में इंड्यूसिंग स्विच इंड्यूसर फॉर स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन इन बैक्टीरिया. तो यहाँ पर कौन है जो स्विच करता है लैकोपेरॉन को बैक्टीरिया में? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. विच जीन बैक्टीरिया एंड वायरस मे बी कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग जीन्स. द साइंटिस्ट असोसिएटेड विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कौन संबंधित है? फ्रैंकिस कोलिस एंड क्रेगिक वेंटर. द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड टू अबाउट. जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स. 19 का ऑप्शन बी होगा, 1.3
3.1 बिलियन टोटल नंबर आप यहाँ पर नाइट्रोजन बेस इन ह्यूमन जीनोम 3.1 मिलियन लगभग होंगे। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स कंटेनिंग द जीनोम कल्पना चावला बाज अप्रोक्सीमेट नंबर जीन कंटेनिंग द जीनोम ऑफ कल्पना चावला के जीनोम में लगभग कितने जो हैं जीनोम जीन्स पाए गए थे जीनोम में तो 91 का यहाँ पर सी होगा 30,000। हाउ मैनी जीन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पर्म सेल 92 का सी होगा वो 92 का सी इंसुलिन जीन। लार्जर जीन इन ह्यूमन मैन इज लार्जेस्ट जीन इन मैनेज डायट्रोफिन कॉमन बैक्टीरियल यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ई कोलाई होगा। नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली जीन इन ई कोलाई तो ई कोलाई में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं 95 का बी है 6,000। रिचिया कोली इज द यूज इन द बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज 96 का सी होगा इट कैन इजिली कल्चरड। द जीनोम ऑफ किनोरोबिटिस इलेगेटिस कंसिस्ट ऑफ 97 का डी होगा 97 मिलियन फेस बेस पेयर इन एंड 18,000 जीन्स। मैच द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑर्गेनिज्म विथ नेम ऑर्गेनिज्म कॉलम सेकेंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अट्ठानवे का यहाँ पर 90 बी होगा 98 का पहले का तीसरा होगा दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा डी का पांचवा सो ऑप्शन बी सही होगा। बायोलॉजिस्ट आइसोलेटेड ए जीन फ्रॉम ह्यूमन सेल अटैच्ड टू इन प्लाज्मिड एंड इंसर्ट द प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियम मेड ए न्यू प्रोटीन बट इट वाज नथिंग लाइक प्रोटीन नॉर्मली प्रोजेक्ट इन ह्यूमन सेल वाई 99 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन द जीन कंटेनेड इंट्रॉन्स। मैन आई एम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज 100 का ऑप्शन बी सही होगा टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ जीन ऑल जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाज ऑफिशियली स्टार्ट इन 101 का यहाँ पर भी होगा 1990। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पर एनालिटिक टेक्निक दैट यूज्ड इन सॉल्विंग पैटर्निटी डिस्पर्ट बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड 102 का डी होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये टेक्नोलॉजी विच हैज फाउंड इमेज यूज इन सॉल्विंग केसेस ऑफ डिस्पर्ट परसेंटेज इज 103 का ये होगा डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज द फॉरेंसिक साइंस 104 का सही होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन द पैटर्निटी 105 का आंसर सही होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज पोनीरिड एंड परफेक्टेड बाय 106 का ऑप्शन बी होगा एल एस जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय 107 का आंसर ये होगा जेफरी विल्सन एंड थीन। द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज 108 का ई होगा पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। द डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू 109 का यहाँ पर ये होगा बी एंटर इज यूज एज प्रोब। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द हैज प्रोब यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस इन वाब यूज ऑफ 110 का यहाँ पर बी होगा मिनी सैटेलाइट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यानी BTRs इन द डीएनए मॉलिक्यूल आर हाईली यूजफुल इन 111 का बी होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। BNTR यूज इन 112 का ये होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज 113 आंसर टी होगा यहाँ पर अकुरेंस ऑफ RFLP यानी रिडक्शन फ्रैगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तेरह का डी मैचिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बिटवीन टू एविडेंस वन ऑफ द टर्मिनल मैचिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बिटवीन टू एविडेंस वन ऑफ द क्रिमिनल विथ सस्पेक्टेड इज नाउन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। RFLP डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ह्यूमन जीनोम आर यूजफुल फॉर 115 का भी होगा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाउ आर RFLPs डिटेक्टेड 116 का यहाँ पर सी होगा बाई ऑब्जर्विंग डीएनए ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑन द जेल ऑन ए जेल बाई ऑब्जर्विंग डीएनए ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑन जेल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर एक्चुअली 117 का आंसर डी होगा रिडक्शन फ्रैगमेंट। डीएनए फिंगरप्रिंट रिजल्ट बैन 118 का आंसर डी होगा रिडक्शन एंजाइम। When DNA fingerprints, finger fragments are subjected to the an electrical current on a gel, the 119 का आंसर यहाँ पर सी होगा स्मॉलेस्ट। Which of the following, which one of following part of terms are names mean one and the same thing? एक नाम है और सेम थीन है तो यहाँ पर क्या है जीनोम जीन पूल या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए क्या होगा कोडान यानी जीन 120 का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए प्रोफाइल ये सेम नाम है सेम थिंग है सेम नेम है डीएनए प्रोफाइल को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉरेंसिक स्टडीज। 112-21 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, डीएनए टेस्ट फॉरेंसिक पॉलीमॉर्फिज ऑल ऑफ दीज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, 122 का आंसर ये होगा आरबीसी। डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर वेयर यूज द डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द वेदर राम कुड बी फादर ऑफ सीता एस बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राम इज नॉट फादर इफ। तो 123 का ऑप्शन डी होगा, द बेबी एस राम बेबी डॉट डॉट राम एस सीता राम एस एंड सीता एस। डी ने फिंगर प्रिंट यूज द एविडेंस इन ए मर्डर ट्रायल लुक समथिंग लाइक सुपरमार्केट बार कोड्स द पैटर्न ऑफ बार्स इन ए डीएनए पिगमेंट शो। 124 का डी, द ऑर्डर ऑफ जीन्स अलोंग विद पार्टिकल क्रोमोसोम्स ब्लड स्टेन फाउंड एट द साइट ऑफ मर्डर और इफ डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल विच आर द फॉलोइंग आइडियल फॉर यूज। बता रहा है 125 का कि क्रिमिनल के लिए डीएनए तकनीक यूज करें, डीएनए क्रिमिनल के लिए डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग तो उसमें क्या चीज़ यूज करते हैं डीएनए से पता लगाने के लिए। फिंगरप्रिंटिंग में क्रिमिनल के डीएनए और यहाँ पर जो अपराधी है और जो अब उसे मतलब अपराध जिस पे हुआ है उनका दोनों का अपराधी के डीएनए की जांच करने के लिए यहाँ पर कौन सा यूज कर दिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। 125 का यहाँ पर सी होगा, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC। असम यू आइसोलेट द डाइजेट एंड इलेक्ट्रोफोसिस ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम टू बैक्टीरिया इफ द रिजल्टिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिकल दिस प्रूव दैट बैक्टीरिया। 126 का सी होगा, कंटेन सेम प्लाज्मिड। प्रोब यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इटली। 127 का आंसर सही होगा, यहाँ पर मिनी सैटेलाइट ए मिक्सचर कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट ABCD विद द मॉलिक्यूल बीट A+B बराबर C और A बड़ा C B छोटा एंड D बड़ा C छोटा बाज सब्जेक्टेड टू एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोसिस द पोजिशन ऑफ दिज फ्रेगमेंट फ्रॉम कैथोड एनोड साइड फॉर जेल शुड बाई। 128 का ए होगा, लोकेशन आर साइट आर इन ह्यूमन डीएनए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर कॉल्ड। लोकेशन फॉर साइट इन ह्यूमन डीएनए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर कॉल्ड। 129 का आंसर ये होगा, SNP सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टूल इन तो यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस। 130 का बी, एग्रोजेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम से बीड्स फाइंड यूज इन तो यहाँ पर 131 का सी होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फोर्सिस। वेलेस जेफरी डेवलप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द प्रोब दैट यूज बाज BNTR यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। 132 का बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनमें से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या यूज नहीं करते। थेरेपी फॉर क्यूरिंग SCID द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेट डीएनए रिकम्बिनेट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकम्बिनेट बैक्टीरिया बिकॉज
और 134 का सी ओ का। इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्सोडेज इन कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया, रिकम्बिनेट बैक्टीरिया विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन सेल विच देयर इन नॉन सेंस म्यूटेशन इन लॉक बाई जीन। 135 का आंसर बी होगा यहाँ पर, बीटा गैलेक्सीडेज। विच आर द फॉलोइंग टेक प्लेस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है यहाँ पर, 100 डी होगा यहाँ पर, 136 का वेरिएबिलिटी ऑफ रिपीटेड सेकेंस बिटवीन टू रिस्ट्रिक्शन साइट इन द इवोल्यूटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, 137 का आंसर ये होगा ओपेरान स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर मैच करना है 138 का, 138 का यहाँ पर मैच करना है पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। ऑप्शन डी सही होगा। इन यूकैरियोटिक जीन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड, इन यूकैरियोटिक जीन्स कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन्स। अमीनो अकाइलेशन ऑफ टीआरएनए फॉर, तो 140 का ये होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। फाइंड आउट रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो यहाँ पर ये होगा मेसलेस स्थल और रेगुलेशन ऑफ जीन, ये गलत है। विच आर द फॉलोइंग इवेंट वुड अकर इन लैक ऑफ आयरन ऑफ इकोलाई व्हेन द ग्रोथ मीडियम हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज। यहाँ पर भी होगा इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड टू सप्रेसर प्रोटीन एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर सीक्वेंस। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो 143 का दोनों सही है, वो ये गलत है यहाँ पर, अब भी सही है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस इन यूकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक एंड ट्रांसलेट विदाउट अंडरगोइंग एनी मॉडिफिकेशन आर प्रोसेसिंग, ये गलत है। द एच एन आर एन एज ह्यूमन हैज एग्जॉन एंड इंट्रॉन, ये सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही है, बी इज करेक्ट ए इज रॉन्ग। सम स्टेप ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग आर गिव इन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ऑप्शंस। 144 का बी होगा, पहला सी होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा ई होगा, और चौथा बी। बी चौथा होगा। और सी डी यहाँ पर पांचवा होगा। डी पांचवा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, वो बी सही होगा यहाँ पर।
इंडियन फिंगर पेंटिंग टेक्निक दैट डेस प्रोब दैट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। 145 का आंसर सी होगा यहाँ पर, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड इन ह्यूमन जीनोम नियरली 10 pairs 10% कंटेनिंग इन 146 का डी होगा यहाँ पर, क्रोमोसोम 1। अमीनो कॉलेशन ऑफ टीएनए सिंथेसिस पर तो ये हो चुका है हमें लग रहा है। 147 का यहाँ पर डीएनए तकनीक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रिंट इटलाइजोन। 147 का सी होगा यहाँ पर, और रिपीटेटिव डीएनए मिनी सैटेलाइट डीएनए बहुत। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डीएनए प्रोब इज डिस्क्राइब्ड एस। 148 का सी होगा यहाँ पर, साउथर्न ब्लॉटिंग। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व द लैक ओपेरन लैक फर्स्ट जीन प्रोड्यूस इज 149 डी होगा यहाँ पर, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल विकास सुप्रेसर रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 150 का यहाँ पर होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा और पांचवा। इट पीसीआर बेस्ड टेक्निक इट इज यूज फॉर द फॉरेंसिक साइंटिस्ट इट इज बेस्ड टेस्ट फॉर पैटर्निटी। ऑप्शन यहाँ पर तो यहाँ पर होगा बी सही। माइक्रो सैटेलाइट आर 151 का यहाँ पर ई होगा, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। लैक्टोज यानी लैक ओपेरन इज रेगुलेटेड बाई 153 का ये होगा बी एन टी आर। वो इसका यहाँ पर मिलान करना है, 52 का यहाँ पर सी होगा, लैक्टोज ओपेरन रेगुलेटेड बाई लैक रिप्रेसर एंड कैंप सीएमपी कॉम्प्लेक्स। 53 में मैच करना है तो बी एन टी आर होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और बी होगा बी का यस होगा इंटरनल एग्जाम स्प्लिसिंग, और सी का पी होगा यहाँ पर डस्ट्रोपिन लार्जेस्ट जीन सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पर होगा ब्लॉक डीएनए। पहले का यहाँ पर कितना होगा, पहले का क्यू और दूसरे यहाँ पर दूसरे का यस होगा स्प्लिसिंग एंड एंट्रॉन्स एंड एग्जॉन स्प्लिसिंग कहते हैं इन्हें, और सी का यस होगा। पहले का क्यू होगा यहाँ पर, पहले का क्यू, दूसरे का यस, तीसरे का पी, चौथे का यहाँ पर सैटेलाइट बल्क डीएनए। तो ऑप्शन ए सही होगा। इफ ए इनहेरिटेबल म्यूटेशन इन ऑब्जर्व द पॉपुलेशन एट द हाई फ्रिक्वेंसी इन रिफ्रेडर्स। 154 का आंसर यहाँ पर बी होगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म।
A discriminable gene in the genotype of aneurysm obtained by 155 का सही होगा RRNA टेक्नोलॉजी. सेटेलाइट DNA इम्पोर्टेंट बिकॉज इट 156 का डी होगा. सो हाई डिग्रेसी या पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन इंडिविजुअल विच इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर एस इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लाइकोपेरन. 57 का ये होगा यहाँ पर लैक्टोज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर फॉर द एनी DNA या फिंगर प्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट. 58 का बी होगा जिंगर फिंगर एनालिसिस. विच ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरन एक्सेप्ट सी को छोड़कर सारे जो हैं पार्ट हैं ओपेरन के. 59 का सी. मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लाइक ओपेरन विद द देयर रिस्पेक्टिव प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर 160 का यहाँ पर कौन सा होगा उत्तर मिलान करना है. आई जीन रिप्रेसर बी का पहला होगा. जेड जीन बीटा गैलेक्सी डेज तीसरे का चौथा होगा. ए जीन ट्रांस और ट्रांस असाइटिलेज एसिटेलाइज एसिटेलेज और वाई जीन परमीएज बैक्टीरिया में यहाँ पर गैलेक्टोज को या लैक्टोज को पास करने की अनुमति करता है अनुमति देता. तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा. और लास्ट क्वेश्चन इस 58 का एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग्स ESTS रिफर टू. तो 161 का यहाँ पर होगा ए जीन एक्सप्रेशन एस RNA. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें. हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. राधे राधे.